पेज काट दिया अन्नू ने, लेकिन लगता है कुछ हुआ है और सब लोग वीडियो को देखते हुए, सोडी भाई भी हैं, तो चल के पास में बात करते हैं क्या है मैटर, क्या देखा जा रहा है। तो हंसी मजाक हो रहा है, सोडी भाई लौट के आ रहे हैं, बाबू भी आ रहे हैं, बाबू वीडियो बना रहे थे टाइगर क्लब के लिए। तो बाबू भाई से हम लोग पूछेंगे कि क्या था, सब लोग देख रहे थे वीडियो में। पेज सही, ऊपर से मुड्डा रखते हुए लखनऊ सिटी के मेंबर, नीचे से उड़ान के मेंबर, निकलता मुड्डा बनाया लखनऊ सिटी के मेंबर, बाहर की तरफ खींचा तुरंत काट काट हो गई। तो एक पेज से आगे हुआ है, पहला पेज था लखनऊ सिटी और उड़ान के बीच में, जिसमें उड़ान काइट क्लब ने एक पेज काट दिया है लखनऊ सिटी को। ऊपर से मुड्डा रखते हुए आर्मी के मेंबर और नीचे से पहुंच गए शीश महल के, दोनों के बीच में ये पहला पेज होगा। चार टीमें यहाँ लड़ रही हैं, पेज सही, सैफुल भाई हमारे फ्रेंड एम्पायरिंग करते हुए पेज सही की सीटी बजा दी है और कम से कम 500 मीटर की रेंज में पतंगें लड़ रही हैं, अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं शीश महल के मेंबर, और बीच में पतंग उतारते हुए आर्मी की ओर से राहुल भाई लड़ा रहे हैं। निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, बीच में अपनी पतंग को चला रहे हैं, ऊंचा ऊंचा रोके हुए हैं आर्मी के मेंबर, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को चलाते हुए बीच में पतंग को रोके हुए हैं, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा है, धीरे धीरे अपनी पतंग को निकलता हुआ बना रहे, सीधा मुड्ढा बहुत बड़ा हो गई है शीश महल की पतंग, क्रॉस पे खींचा है काफ़ी, आसमान से अंदर की तरफ पतंग आ रही है आर्मी के, लेकिन कट गए। तो एक पेज हो गया है शीश महल के लिए, इस टूर्नामेंट का पहला पेज था। तो 1-0 का स्कोर हो गया है शीश महल और आर्मी के बीच में। जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में लड़ रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए, लड़ाने वाला खिलाड़ी अगर रस्सी में पैर छू भी जाएगा तो क्रीज आउट है, चरखी दिखाने वाले से कोई मतलब नहीं है, लड़ाने वाले खिलाड़ी का पैर अगर रस्सी में छू भी जाएगा तो क्रीज आउट है। और जितनी भी टीमें लड़ रही है इस चीज का ध्यान रखा, शूज कंपल्सरी है, कोई एक्सक्यूज नहीं बताइएगा, शूज पहनना अनिवार्य है। अंकित भाई यार भिजवा दो यार, पेज सही हो गया, ऊपर से हैं टाइगर के मेंबर, अरुण भाई लड़ा रहे हैं, पेज
पेस सही चल रहा है, नीचे से सुल्तान के अन्नू अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से अरुण लड़ा रहे हैं टाइगर के मेंबर। 1-0 का स्कोर है। एक पे से सुल्तान आ गया, क्रॉस मुड्ढा बनाया अरुण ने, करीब करके रोका, रोक के फिर से निकलता हुआ बनाया। अन्नू चक्कर पे रोके हुए हैं, डबल करते हुए पतंग को उठा रहे हैं अरुण, अंदर के मुड्ढे पे अन्नू ने ताकत से खींचा, तेज झटके मार रहे हैं अरुण और बढ़िया पे जी अरुण ने झटके मारते हुए काट दिया और 1-1 का स्कोर बराबर हो गया है टाइगर और सुल्तान के बीच में। जी सॉरी भाई, एक राउंड में 9-9 पेज इन्होंने काटे, 9-9 8-8 ऑल तक हो गया था स्कोर, लेकिन जो 9 पेज पूरे काटे गए 8-8 ऑल पे, सारे 9 पेज इन्होंने ही अकेले टाइगर की वजह से, मतलब अकेले टाइगर है, अकेले इन्होंने यही टाइगर है, असली टाइगर यही है, बाकी नकली बाबू नकली है। मौके पे इनको जरूरत पड़ी, ये क्रीज आउट होके पता नहीं बाहर हो गए, क्रीज आउट होके पेज कटवा लिया जब सेमीफाइनल में जरूरत थी, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया गेम काटा, अभी भी पहला पेज काटा इन्होंने, आगे तक आए। मेरे नसीब में अगर होता जी तो हमको उससे कोई बचा नहीं सकता, सिम्मी भाई ने पेज काटा, उनकी पतंग नहीं निकली, हाँ वो नसीब में नहीं था, लक की बात है, हमने काटा, मैंने बहुत पहले था, लेकिन क्रीज आउट हो गई, तो बढ़िया पेज और 1-1 का स्कोर बराबर हो गया टाइगर और सुल्तान के बीच में। शाने मुगल की ओर से राजेश लड़ा रहे हैं, पेज सही हो गया, हसीब भाई फ्रेंडली बैटिंग करते हुए, अब पेज सही चल रहा है, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं मून लाइट के मेंबर और मून लाइट की ओर से तौसीफ भाई लड़ा रहे हैं, ये खड़े हैं शहजान भाई चरखी दिखाते हुए, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं तौसीफ भाई। 1-0 का स्कोर है, एक पेज काट चुके हैं मूनलाइट के मेंबर शाने मुगल को, तौसीफ भाई नीचे से अपनी पतंग को चमकाते हुए अंदर के मुड्ढे पर लगातार पतंग को उतार रहे हैं, निकलता हूँ मुड्ढा राजेश भाई ने बनाया, तेज तेज थपकियाँ मारी, करीब करा, बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींचते हुए बाहर की तरफ दोनों लोग ताकत से खींच रहे हैं, निकलता मुड्ढा दोनों का जा रहा है और अब की बार तौसीफ भाई ये पेज कट गए, तो एक पेज काट दिया है राजेश ने शाने मुगल के लिए और 1-1 का स्कोर बराबर हो गया है, 9 पेज होने हैं, 1-1 का स्कोर बराबर मूनलाइट और शाने मुगल के बीच में। तो लखनऊ सिटी उड़ान के बीच में गेम चल रहा है, 1-0 का स्कोर है, एक पेज से उड़ान काइट क्लब आगे है और ये रहे उड़ान के मेंबर जो नीचे से पेल लड़ा रहे हैं, चलते हैं अपन का दूसरा पेज देखते हैं, 500 मीटर की रेंज में सारे पेज हो रहे हैं, लोकल टूर्नामेंट है जो कि 128 टीमों का है और सारे रूल फॉलो करे जा रहे हैं इसमें ऑल इंडिया के, बीच में अपनी पतंग को बनाते हुए सही की आवाज़ दे दी है ये हमारे हसीब भाई फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए, सिटी बजा दी है, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए निकलता मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया लखनऊ सिटी के मेंबर ने, थोड़ा गर्दन के पास पहुंचे उड़ान के मेंबर, अपनी पतंग चक्कर भी दिए, करीब करा, बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका, रोक के क्रॉस पे मुड्ढा बनाया, निकलता हुआ जा रहा है लखनऊ सिटी का मुड्ढा और बढ़िया पेज अब की बार ये काट दिया और ये पतंग उठा के आ गए, तो पेज हो गया और एक पेज मिल गया है लखनऊ सिटी को, 1-1 का स्कोर बराबर हो गया उड़ान और लखनऊ सिटी के बीच में। नीचे से जगह लेते हुए शीश महल के मेंबर अपने दूसरे पेज के लिए और ऊपर से आर्मी के मेंबर थोड़ा गर्दन के पास अपनी पतंग को बनाए हुए हैं, बाहरी बार पतंग को निकालते हुए रेंज बढ़ती जा रही है, 600 मीटर की रेंज में करीब पतंगें लड़ रही हैं, अब थोड़ी और ज़्यादा ही होगी, अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते हुए अपनी पतंग को शीश महल के मेंबर, पेज सही हो गया, निकलता मुड्ढा बनाया आर्मी के मेंबर ने, उसी को लेके चल रहे हैं, करीब करके रुके, रुक के क्रॉस मुड्ढा बनाया, उसी को मार रहे हैं, रुक के अंदर की तरफ खींचते हुए शीश महल के मेंबर, बढ़िया पेज ये काट दिया, तो 2-0 से आगे हो गया है शीश महल आर्मी क्लब से, पेज सही हो गया, 1-1 का स्कोर बराबर चल रहा है सुल्तान और टाइगर के बीच में। नीचे से पहुंच गए आरिफ भाई टाइगर क्लब के कैप्टन और ऊपर से लड़ा रहे हैं राजू भाई सुल्तान के मेंबर, बीच में अपनी पतंग को मुड्ढा उतारते हुए धीरे धीरे पतंग को नीचे करते जा रहे हैं, स्कोर बराबर चल रहा है, करीब कर रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ताकत से खींचा, रुके, पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा देते देते थपकियां मारी और जैसे ही निकलता हुआ मुड्ढा बनाया था ये पेच कट गए, तो 2-1 का स्कोर हो गया टाइगर और सुल्तान के बीच में। तो नीचे से एक बार फिर पहुंच गए हैं राजेश, ये रहे शाने मुगल की ओर से और ऊपर से मूनलाइट के जिम्मी भाई, 1-1 का स्कोर बराबर है दोनों के बीच में, अब की बार देखते हैं कौन काटेगा, टूर्नामेंट 9 पेजों का है, सेम सारे रूल फॉलो हैं ऑल इंडिया के, लेकिन लोकल 128 टीमों का टूर्नामेंट हो रहा है, पेज सही होने के बाद जिम्मी भाई ने अपनी पतंग को तान लिया, दोबारा से मुड्ढा रखते हुए राजेश भाई अपनी पतंग को बनाए हैं, थोड़ा गर्दन के पास पतंग को लेके गए, दोबारा से अंदर का मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे अंदर के मुड्ढे पर उतरते हुए निकलता बनाया, फिर से रोका, लग रहा फंसा के लड़ाने के मूड में है जिम्मी भाई, पट पे करके थोड़ा सा खाली करा, तेते झटके मारे, सीधा मुड्ढा उतारा जिम्मी भाई ने और देखिए डोर ऊपर रख लिया और ये देखिए तेते झटके मारे उतर रहे थे जिम्मी भाई कट गए, तो बढ़िया पेज काट दिया और 2 पेज अपने पूरे कर लिए हैं शाने मुगल ने मूनलाइट के खिलाफ, 2-1 का स्कोर हो गया है। तो शानू भाई लड़ा रहे हैं उड़ान की तरफ से, 1-1 का स्कोर बराबर है, तो रिंग के अंदर देखते हैं शानू भाई कैसा खींचेंगे, रिंग आप देख सकते हैं
लिमिटेड दौड़ है और रिंग में अगर पैर छुआ तो पेज कटा माना जाएगा। ये नया रूल है लोकल टूर्नामेंट में। शानू भाई उड़ान के मेंबर आज चलाते हुए और ये ताकत बनाई तेज से थपकियों पे पेज फंसा लिया चुस्किया पेज। शानू भाई ये पेज कट गए। ये हमारे शाहजान भाई दूसरी टीम के प्लेयर और दूसरी टीम के एक प्लेयर को परमिशन है कि रिकॉर्डिंग कर सकता है कि अपोजिट टीम की पैर रिंग में ना छुए या रिंग के बाहर ना जाए। और ये रहा हमारे राजेश भाई लड़ाते हुए शान मुगल की तरफ से। तो पेज सही हो गया। नीचे से राजेश भाई हैं शान मुगल के लिए 2-1 का स्कोर और ऊपर से तौसीफ भाई 2 पेज से आगे चल रहा है। शान मुगल क्रॉस मुड्डा बनाया, काफ़ी दूर से रुके पट पे अपनी पतंग को ले जा रहे हैं धीरे धीरे। राजेश भाई रोक के बाहर की तरफ ताकत से खींचा, क्रॉस मुड्डा मारा तौसीफ भाई ने। दोनों लोग अपनी ताकत से खींचते हुए और बाहर की तरफ खींचा और फिर झटके मार के ये पेज काट दिया राजेश भाई ने। और 3-1 का स्कोर हो गया है मूनलाइट वर्सेस शान मुगल का। वसीम भाई लड़ाएंगे आर्मी की ओर से। जल्दी से इनका पहन के तेज लड़ाइए भाई। वो पहन सकता है जो पहने वो पहन लेगा। वो बंद है जब पीछे से पूरा वो पहन लो। हल्दी ना हल्दी हल्दी पूरा चप्पल में आ गया। ये तो यहाँ देखिए मैं वसीम भाई चप्पल में लड़ाए थे, मना करा गया। यहाँ कमेटी के सारे मेंबर आ गए, सोडी भाई, हसीब भाई, कासिम भाई हैं, शकील भाई भी। तो शूज कंपलसरी है, शूज में ही आपको पहन के लाना होगा। और राजू भाई हमारे, ये देखिए राजू भाई आ गए हैं, साजिद भाई, सभी कमेटी मेंबर्स हर चीज पे नजर रखे हुए हैं कि कौन जूता पहन रहा है, कौन कपड़े पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है। और साजिद भाई अच्छा बढ़िया हो रहा टूर्नामेंट लोकल वाला। आज पहला दिन है हसीब भाई के सौजन से। बहुत हसीब भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारा। जहाँ पे हसीब भाई खड़े हो जाए वहाँ से टूर्नामेंट सक्सेस हो गया है। यहां से तो चलते हैं वापस पेज पे। 2-1 का स्कोर चल रहा है। तो ऊपर से एक बार फिर से वसीम भाई और नीचे से शीश महल के मेंबर ये लड़ा रहे हैं। 2 पेज काट चुके हैं, 2-0 से आगे है शीश महल आर्मी क्लब से। बीच में वसीम भाई ने मुड्डा रखा, निकलता हुआ मुड्डा बनाया, पतंग को चमकाया शीश महल के मेंबर ने, रोका, रोक के बाहर की तरफ खींचा, डबल कर लिया है वसीम भाई ने। तेते थपकियां मारी, थपकियों पे दोनों लोग लड़ाते हुए क्रॉस पे थपकियां मारते हुए बढ़िया पेज ये काट दिया और 3-0 का स्कोर हो गया आर्मी वर्सेस शीश महल के बीच में। टूर्नामेंट का पहला दिन है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि 128 टीमें हैं। तो उम्मीद है कि 30 दिन के करीब करीब टूर्नामेंट जा सकता है क्योंकि किसी दिन हवा ना हो या कोई और बात हो। तो लेकिन ग्राउंड पे देख सकते हैं कितने लोग हैं, देखने वाले भी हैं, लड़ाने वाले भी हैं, टीम जो लड़ रही है उनके सपोर्ट में है, उनके साथ के जो क्लब के मेम्बर्स हैं वो भी हैं, तो काफ़ी लोग हैं। तो देखते हैं अब किसका पेज होगा नेक्स्ट। पेज सही हो गया, ऊपर से लखनऊ सिटी के मेंबर और नीचे से उड़ान। 2-1 का स्कोर है। 2 पेज से लखनऊ सिटी आगे चल रहा है, देखते हैं स्कोर बराबर होगा या 1 पेज से और आगे निकलेगा उड़ान काइट क्लब से लखनऊ सिटी। बीच में अपनी पतंग का मुड्डा बनाते हुए पेज सही हो गया है। नीचे से जगह लेते जा रहे हैं टेढ़ा करा के उड़ान के मेंबर। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए लखनऊ सिटी के मेंबर और धीरे धीरे अपनी पतंग को बनाए, क्रॉस मुड्डा काफ़ी दूर से बनाए, उसी को लेकर चल रहे हैं और ज़्यादा टेढ़ा कराते चले जा रहे हैं उड़ान के मेंबर। पतंग को ऊंचा करके मुड़ा दिया, बीच में अपनी पतंग उतारा थोड़ा सा गर्दन के पास, निकलता हूँ मुड्डा बनाया, भाग तब ताका से खींचा, सीधा गद्दा उतर रहा है लखनऊ सिटी का और ये पेज उड़ान के मेंबर कट गए। 3-1 का स्कोर हो गया है इसी के साथ उड़ान और लखनऊ सिटी के बीच में। आर्मी के कैप्टन फिर से एक बार राहुल भाई ऊपर का पे लड़ाएंगे और नीचे से हैं शीश महल के शाहब भाई। 3-0 का स्कोर कर रखा है, 3 पेज से आगे चल रहा है शीश महल। चलते हैं 4th पेज पे, जगह लेते हुए शीश महल के मेंबर टेढ़ा करा के जगह लेते चले जा रहे हैं और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्डा रखे हुए हैं राहुल भाई। 3-0 का स्कोर शीश महल वर्सेस आर्मी। पेज सही हो गया, पट पे कराया, काफ़ी ताकत से गद्दा मारते चले जा रहे हैं, पतंग दोनों नीचे, दोनों लोग पट पे खींचते हुए काफ़ी नीचे पतंग आ गई और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेते हुए धीरे धीरे शीश महल की पतंग कम होती जा रही है। शाहब लड़ा रहे हैं ऊपर से राहुल भाई, निकलता मुड्डा बनाया, बाहर का मुड्डा बनाया शाहब ने भी, दोनों लोग ताकत लगाते हुए बाहर के मुड्डे पे दोनों की पतंगें ताकत लगाते हुए 4th पेज अपना पूरा कर लिया है शीश महल के लिए शाहब ने और 4-0 का स्कोर आर्मी वर्सेस शीश महल। और ये हमारे जेडी के मेंबर जुनैद भाई और शाहबाज भाई। जुनैद भाई आप लोग का भी क्लब इंटर है भाई, परसों हमारा मैच है। अच्छा परसों आप लोग का मैच है। 3-2 का स्कोर।
3-2 का स्कोर है, एक पेस से आगे चल रहा है सुल्तान काइट क्लब टाइगर से। बीच में अपनी पतंग का मुद्दा बनाए हुए हैं बाबू टाइगर के लिए, पतंग को ऊपर करा, बीच में अपनी पतंग को बनाते हुए निकलता हुआ मुद्दा बनाया, पट पे करके थोड़ा सा खाली कराया, गर्दन के पास पतंग को लेके पहुंचे, बाहर की तरफ गुफरान ने ताकत से खींचा, बाहर की तरफ निकलता हुआ खींचा, थोड़ी सी डबल होते हुए मुद्दे पे बाबू ने और ये पेज गुफरान भाई कट गए। 3-3 का स्कोर बराबर चल रहा है टाइगर और सुल्तान के बीच में, कांटे की टक्कर हो रही है लोकल टूर्नामेंट में। उन्हें ऊपर रहता कोई, देखो ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है वो। ये हमारा उदयिया है, ये इस बार के प्रत्याशी भी हैं, इसी वार्ड से राजद के प्रत्याशी हैं, और माननीय नीरज बोरा सिंह जी के जी ये साथी रहते हैं हर समय, और वो हमारे आसिफ भाई अध्यक्ष हैं LKCO के, आसिफ भाई ये भाई भी हमारे पुराने साथी हैं, तो हम कहेंगे आसिफ भाई भाई को माला पहना के इनका स्वागत करें। उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत, छोड़ दीजिए उसे। राजू भाई आप इधर आइए। अरे वो ठीक है, अरे भाई ये मुन्ना भाई हमारे, इनको पता है का अवार्ड मिला है झोल छुड़ाने का, झोल छुड़ाने का ये झोल छुड़ाने का अवार्ड भी मिला, कहीं भी फंसा तो छुड़ा देते हैं, पूछ लीजिए वाकई में है मुन्ना भाई, मुन्ना भाई मिला था ना, मजाक कर रहे हैं जी जी लीजिए जी भैया बैठो, आप लोग बैठिए। मेन इन पर क्या वजह से होल्ड हुए वजह यार क्या बताएं, जब वैसे तो मान लीजिए का मामला जो पेस सही हो गया, ऊपर से सुल्तान क्लब के राजू और नीचे से टाइगर क्लब के बाबू, 3-3 का स्कोर बराबर चल रहा है, कांटे की टक्कर हो रही है दोनों के बीच में, ज़्यादातर स्कोर बराबर के करीब ही है। निकलता हुआ मुड्डा राजू भाई ने ताकत से बनाया, उसी को मारते जा रहे हैं क्रॉस पट पे, बाबू का मुड्डा भी जा रहा है, दोनों लोग ताकत से मारते हुए और सल्लक बाहर की तरफ खींचते हुए, राजू ने ये पेच काट दिया और 4-3 का स्कोर हो गया है सुल्तान और टाइगर के बीच में। तो जिम्मी भाई लड़ा रहे हैं मूनलाइट की तरफ से, नीचे का पे लड़ा रहे हैं, 3-2 का स्कोर है, 3 पेज से आगे चल रहा है शाने मुगल, ये रहे शाने मुगल के मेंबर, ऊपर का पे लड़ाएंगे अनीस भाई चरखी दिखाते हुए और भी कुछ मेंबर हैं, चलते हैं पेज पे देखते हैं अब की बार कौन काटेगा, क्या 3-3 का स्कोर बराबर होगा या फिर एक पेज से और आगे बढ़ जाएगा शाने मुगल मोडलाइन लखनऊ से। पेज सही हो गया है, नीचे सही जगह लेते जा रहे हैं जिम्मी भाई, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मूनलाइट की तरफ से लड़ाते हुए बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए, पतंग को अपनी ताने हुए अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करे हुए हैं, निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं धीरे धीरे शाने मुगल के मेंबर, बाहर की तरफ जिम्मी भाई खींचते हुए कंठी मार के लाए, रोका रोक के अंदर की तरफ खींचते हुए सल्लक बाहर की तरफ खींचते हुए शाने मुगल के मेंबर, बढ़िया पेज ये काट दिया और 4-2 का स्कोर हो गया है शाने मुगल वर्सेस मूनलाइट के बीच में, 4 पेज से आगे है शाने मुगल। तो लखनऊ सिटी की ओर से गौरव भाई लड़ा रहे हैं, 4-1 का स्कोर कर रखा है गौरव भाई ने और नीचे से उड़ान के मेंबर हैं ये मेंबर, नीचे लड़ाते हुए चलते हैं पेज पे, 4-1 का स्कोर, ऊपर से गौरव भाई नीचे से उड़ान के मेंबर, निकलता हुआ मुड्ढा फिसलना, पतंग सीधी हुई गौरव भाई की ताकत से खड़ा खींचा लेकिन अब की बार हल्की सी पतंग अंदर की तरफ आई और 4-2 का स्कोर हो गया है उड़ान और लखनऊ सिटी के बीच में। पहले वहाँ अपने क्रिकेट अंपायर को बुलाइए, तो क्रीज आउट शायद हो गए, पेज काटा है लेकिन क्रीज आउट हो गए और उसका फ़ायदा मिलेगा लखनऊ सिटी के मेंबरों को, तो देखते हैं क्या होता है। तो 4-0 का स्कोर है आर्मी और शीश महल के बीच में, अब की बार आर्मी की ओर से वसीम भाई फिर से लड़ाते हुए ऊपर का पेज और शीश महल की ओर से शाहब लड़ा रहे हैं और चरखी दिखाते हुए फैज भाई, चलते हैं पेज, पेज सही हो गया, निकलता हूँ मुड्ढा वसीम भाई ने सही होते ही बनाया, काफ़ी दूर से क्रॉस पे मारते जा रहे हैं धीरे धीरे शाहब, करीब करके रोका अंदर के मुड्ढे पर जगह लेते हुए, पतंग को बाहर की तरफ खींचा ऊंचा करा, पतंग को चलाया चमकाया बाहर की तरफ ताकत से खींचा, निकलता हुआ हमारा वसीम ने भी, दोनों लोग फिर से ताकत से बाहर की तरफ खींचते हुए और अब की बार वसीम ने यह पेज बड़ पतंग से क्रॉस मुड्ढा मारते हुए काट दिया, 4-1 का स्कोर हो गया है आर्मी और शीश महल के बीच में। Yeah.
अरे भैया आ रहे हैं भाई, भैया काली डालो उससे क्या होगा। तो पप्पू भाई कैसा गेम लड़ रहा है? गेम बहुत अच्छा लड़ रहा है, हवा में बहुत खाना दार हवा है, थपेड़े में थोड़ा थपेड़े में हवा चल रही है। ये हमारे जिम्मी भाई, ये रहे शीश महल के मेंबर फैज भाई, शाह भाई। ऊपर से अरुण टाइगर के लिए और नीचे से राजू लड़ा रहे हैं सुल्तान के लिए। चलते हैं बेच पे, देखते हैं कौन काटेगा अब की बार। बीच में हम जी पतंग को बनाए हुए हैं, काफ़ी रेंज में पतंगें लड़ रही हैं, फिर से रेंज बढ़ गई है 600 के करीब करीब 500-600। बीच में हमने पतंग का मुड्ढा उतारते हुए अरुण पतंग को चमकाते हुए राजू बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका, रोक के फिर से बाहर का मुड्ढा बनाया, निकलता हुआ क्रॉस मारा है अरुण ने, बढ़िया पेज ये काट दिया। और इसी पेज के साथ 4-4 का स्कोर बराबर हो गया है सुल्तान और टाइगर के बीच में। ये हमारे सोनू भाई आ गए हैं फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए, क्या कहना सोनू भाई? भाई आज से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है जी, बस जिम्मेदारी सौंप दी गई ऑल इंडिया टूर्नामेंट में, पूरी फ्रंट एम्पायरिंग हमारे सोनू भाई ने करी थी, और भी लोगों ने करी थी, जमील भाई थे, जहीर भाई थे, लेकिन काफ़ी दौड़ भाग करी थी। तो अब की बार भी पूरा टूर्नामेंट आएंगे या बीच बीच में? पूरा टूर्नामेंट कराने की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। और ये हमारे सालिम भाई भी आ गए हैं पतंग का मज़ा लेते हुए, मिलते हुए एक दूसरे से, गेम टूर्नामेंट का मज़ा लेने के लिए धीरे धीरे लखनऊ के बहुत से लोग आते जा रहे हैं। ये हमारे ठेकेदार आ रहे हैं, पतंग खींचने की जिम्मेदारी दी जाती है और पतंग जिम्मेदारी में पतंग फंसा देते हैं हमारे ठेकेदार जी। अरे ठेकेदार अपनी पतंग तो नहीं फंसाएंगे? नहीं अपनी नहीं फंसाएंगे। चलते हैं पेज पे, काइट क्लब ने पेज काट दिया है टाइगर काइट क्लब को। और स्कोर हम अपने गुफरान भाई से बोले तो गुफरान भाई क्या स्कोर हो गया? 5-4 पांच काटे हैं, 4 कटे हैं। ये मेंबर है जेडी काइट क्लब के शोएब भाई, शाहबाज भाई और जुनैद भाई कैप्टन है। शाहबाज भाई बहुत खतरनाक टीम है, बहुत टक्कर की टीम है, बहुत खुखार टीम है, लड़ रही है, क्या कहना है कल आप लोग टिक पाएंगे? शोएब भाई आपका क्या कहना? बिल्कुल ऑल इंडिया की तरह ही जो अच्छा लड़ा है, ऑल इंडिया की तरीके से गेम लड़ रहा है आज पहला दिन है, क्या कहना आप लोगों का? गेम बहुत अच्छा लड़ रहा है, बढ़िया लड़ रहा है, एकदम मतलब फील आ रही है ऑल इंडिया की तरह लड़ रहा है, तेज हो रहा है, ऐसे ही लड़ना चाहिए चाहे लोकल चाहे ऑल इंडिया, ऐसे ही लड़े गेम, ऐसे लड़ना चाहिए और कितनी तेज लड़ रहा है, तेज लड़ रहा है। तो चलते हैं पेज पे और देखते हैं। और ये देखिए मुगल क्लब के फैसल आ गए, जुबैर आ गए भैया, एंट्री है मुगल क्लब की, एंट्री है, एंट्री है, किस दिन का गेम होगा? जुबैर लड़ाएंगे। अच्छा हम लोगों को 9 तारीख का गेम है। अच्छा 9 तारीख का गेम है। और डालीगंज के मशहूर काइट शॉप ओनर आ गए जुनैद भाई, और इनाम घोषित कर रहे हैं कुछ, इनाम ये है 3 खिलाड़ी जो जीतेंगे फाइनल, जी जी 3 बैग है, 3 बैग है, तीनों बैग में 100-100 मोहित की पतंगे हैं, 100-100 मोहित की, और एक एक एसटीआर का बंडल है, एसटीआर, और वो जो 1-1 लाख रुपया दे रहे थे वो कैंसिल हो गया है। जुनैद भाई ये सब क्या है, गलत बता रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। और जुनैद भाई की डाली हमें बहुत बढ़िया शॉप है, काफी पुरानी, कितने पुरानी हो? कम से कम 25-30 साल पुरानी, 25-30 साल पुरानी होगी जो, 58 साल, अच्छा बहुत पहले की है, 58 साल पुरानी, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनके पोते पर पोते सब आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, पुरानी करे लखनऊ में दुकान इंशाल्लाह की भाई। और मोहित की पतंगे बांटते रहे, मोहित की पतंगे ये बांटते रहे मोहल्ला लगा लगा के। चलते हैं पेज पे।
तो 5-2 का स्कोर चल रहा है, 5 पेज से लखनऊ सिटी आ गए। साहब भाई पे लड़ा रहे हैं और अनस भाई चरखी दिखाते हुए चलते हैं पेज पे। तो उड़ान के गेम में हम नीचे से पहुंच गए, 5-2 का स्कोर है, 5 पेज लखनऊ सिटी ने काटे हैं और 2 पेज उड़ान ने। अब की बार देखते हैं क्या होगा। पेज सही हो गया, सोनू भाई फ्रेंड एम्पायरिंग करते हुए सही की सीटी बजा दी है। निकलता हूँ मुद्दा बनाया, पतंग को चमकाते हुए उड़ान के मेंबर, पतंग अंदर की तरफ आ रही है घूम के, डोरों पे रोके हैं, पतंग पूरी अंदर की तरफ आई, चक्रों पे पेज आ गया, चुस्कियाँ चल रही हैं, दोनों लोग चुस्कियाँ निकालते हुए, बाहर के बल है उड़ान के, लेकिन दोनों लोग डोर निकालते जा रहे हैं। अब देखते हैं चुस्की के पेज में कौन काटेगा। सल्लक डोर निकलती हुई दोनों की बाहर के बल उड़ान के, और सीधी सीधी पतंग को निकालते हुए, और ये पेज लखनऊ सिटी के मेंबर कट गए। 5-3 का स्कोर हो गया है। टाइगर की ओर से फिर ऊपर से आगे लड़ाने के लिए अरुण भाई, 5-4 का स्कोर है, 5 पेज से आगे सुल्तान काइट क्लब, फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए सोनू भाई, और नीचे के लिए क्रीज एम्पायरिंग करते हुए सोडी भाई, सुल्तान के मेंबर अन्नू लड़ा रहे हैं। चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। 5 पेज काटे हैं सुल्तान ने और 4 काटे हैं टाइगर ने। नीचे से जगह लेते हुए अन्नू सुल्तान क्लब के लिए, और ऊपर से मुड्ढा उतार रहे अरुण। पेज सही हो गया है, सीटी बच गई, टेढ़ा करा के जगह लेते चले आ रहे हैं ताकत से। अरुण सुल्तान के लिए अपनी पतंग को रोके हैं, ऊपर से अरुण भाई बाहर की तरफ मुड्ढा निकालते हुए अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते जा रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करा रहे हैं और ज़्यादा जगह लेते हुए सल्लक बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं और काफ़ी ऊँचे ऊँचे अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं। पतंग काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दे रखा है अन्नू ने, पेज सही चल रहा है, लेकिन अरुण भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर रोके हुए हैं। धीरे धीरे मुड्ढा उतारते हुए निकलता हूँ, मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया उसी को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, रोका रोक के अंदर का मुड्ढा बनाया, बाहर की तरफ अन्नू ने ताका से खींचा, सीधा गद्दा मार रहे हैं अरुण, बाहर की तरफ पतंग जा रही, थोड़ी सी पट पे दोनों की पतंगे और बाहर की तरफ सल्ला खींचते हुए ये पेज राह अन्नू ने काट दिया है और 6-4 का स्कोर हो गया है सुल्तान और टाइगर के बीच में। पेज काट दिया अन्नू ने, लेकिन लगता है कुछ हुआ है और सब लोग वीडियो को देखते हुए, सोडी भाई भी हैं, तो चल के पास में बात करते हैं क्या है मैटर, क्या देखा जा रहा है। तो हंसी मजाक हो रहा है, सोडी भाई लौट के आ रहे हैं, बाबू भी आ रहे हैं, बाबू वीडियो बना रहे थे टाइगर क्लब के लिए, तो बाबू भाई से हम लोग पूछेंगे कि क्या था, सब लोग देख रहे थे वीडियो में। ये आ रहे हैं टाइगर काइट क्लब के बाबू, क्या हो गया था बाबू भाई, क्या वीडियो में दिखा रहे थे, सब लोग देख रहे थे। अच्छा उछल रहे थे, अच्छा मतलब इंटरटेनमेंट वाली चीज दिखा रहे थे, अच्छा तो इंटरटेनमेंट वाली चीज थी, सब लोग मिल के देख रहे थे। ये देखिए अन्नू भाई ने काटा था, खुद भी देख रहे थे। चलते हैं पेज पे, 5-1 का स्कोर, आर्मी क्लब के वसीम भाई ऊपर का पे लड़ाएंगे, क्रीज एम्पायरिंग करते हुए सोडी भाई और फ्रंट एम्पायरिंग कर रहे हैं सोनू भाई, तो हवा के लिए थोड़ा सा जगह एडजस्ट करा रहे हैं, क्रीज एडजस्ट करा रहे हैं सोनू भाई, और नीचे के पेज के लिए फिर से एक बार पहुँच गए हैं शाहब भाई शीश महल के लिए। 5 पेज काटे हैं शीश महल ने, 1 पेज काटा है आर्मी क्लब ने। अब चलते हैं पेज पे, देखते हैं क्या स्कोर में बदलाव आएगा। तो नीचे से जगह लेते हुए शाहब और ऊपर से मुड्ढा रख रहे हैं वसीम, पेज सही हो गया, टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं। 128 टीम का टूर्नामेंट है जो कि सैफी मेमोरियल के नाम से हो रहा है, सैफी भाई अवध के मेंबर थे, ऑल इंडिया भी उठा चुके हैं और काफ़ी बढ़िया प्लेयर थे और साथ में बढ़िया इंसान थे, तफरीबाजी वाले, तो उन्हीं के नाम से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। तो नीचे से हैं शाहब और ऊपर से वसीम मुड्ढा रखते हुए, 5-1 का स्कोर, 5 पेज से शीश महल आगे, पतंग को ऊपर ही ऊपर रोके हुए हैं, नीचे से ऊंचा करते चले आ रहे हैं लगातार शाहब, लेकिन अपनी पतंग को अभी भी ऊपर ही ऊपर रोके हुए हैं वसीम भाई आर्मी के मेंबर। निकलता हूँ मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, बहुत बढ़ करके निकलता हूँ मुड्ढा बना रहे हैं, लेकिन पतंग को अपनी ऊंचा करें, क्रॉस मुड्ढा बनाया उसी को ताकत से मारते हुए बाहर की तरफ खींचा, पतंग पूरी पट पे चली गई है लगातार खींचते हुए। निकलता हूँ मुड्ढा जा रहा वसीम का, क्रॉस पट पे पतंग जा रही है शाहब की, रुके तेते थपकियाँ मार रहे हैं, निकलती हुई पतंग जा रही है ताकत से मारते हुए दोनों लोग गद्दा, और अब की बार फिर से ये पेज शाहब ने काट दिया और 6-1 का स्कोर हो गया आर्मी और शीश महल के बीच में। तो पीछे मेंबर खड़े हैं सारे शाने मुगल की तरफ से, पतंग खींचने के लिए कहा जा रहा है, ये देखिए पतंग में हाथ मारने के लिए कह दिया गया है। अनीस भाई आए, 4-3 का स्कोर चल रहा है शाने मुगल और मूनलाइट के बीच में, और नीचे से फिर से एक बार से तौसीफ भाई चरखी दिखाते हुए, शहजाद भाई विक्की भाई के हाथ में पतंग दे दी गई खींचने के लिए कहा गया। चलिए पतंग देख लेते हैं, एक राउंड चेक कर लेते हैं पतंग का, एम्पायर ही पतंग को खींचता है टूर्नामेंट में, ताकत से खींचते हुए पतंग बाहर के मुड्ढे पे जा रही है, पतंग सही है, पतंग ओके, लड़ेगा पेज शाने मुगल और मूनलाइट के बीच में। तो नीचे से तौसीफ भाई, 4-3 का स्कोर है, 4 पेज काटे हैं शाने मुगल के अनीस भाई ने, ऊपर लड़ाते हुए अनीस भाई शाने मुगल के लिए, बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए रुक गए,
थोड़ा बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए लगातार कन्ने के पास अपनी पतंग को उतारते हुए बाहर की तरफ बचाने के लिए तौसीफ भाई ने पतंग को खींचा, पतंग को बचाया अपनी संलग कन्ने की तरफ चलते हुए अनीस भाई, और नीचे से बने हुए तौसीफ भाई दोबारा से जगह ले रहे हैं, जगह लेते हुए ऊपर से अनीस भाई भी ताका से जगह लेते आ रहे हैं जिससे कन्ने के पास ना आ पाए अनीस भाई। बाहर की तरफ पतंग को फिर से निकालते हुए अनीस भाई थोड़ा सा कन्ने के पास से ही अपनी पतंग को उतार रहे हैं। 5-4 का स्कोर है, 5 पेज काटे हैं शानी मुगल ने, 3 काटे हैं मूनलाइट ने। ये खड़े हैं तौसीफ भाई, बाकी मेंबर शहजान भाई चरखी दिखाते हुए, विक्की भाई एम्पायरिंग करते हुए, क्रिज एम्पायरिंग। निकलता मुठ्ठा बनाया, रोका अंदर के मुठ्ठे पर ताका से खींचा, भाग दिया तौसीफ भाई ने खींचा और तुरंत काट हो गई। तो 4-4 का स्कोर बराबर हो गया शानी मुगल और मूनलाइट के बीच में। सुल्तान की ओर से फिर से एक बार अन्नू भाई नीचे का बेड़ा लाते हुए, क्रिज एम्पायरिंग करते हुए सोडी भाई, और टाइगर की ओर से आ गए हैं कैप्टन आरिफ भाई, क्रिज एम्पायरिंग करते हुए धर में, और उनके क्लब के मेंबर चरखी दिखाते हुए चलते हैं पेज पे। 6-4 का स्कोर है, 6 पेज काटे हैं सुल्तान ने और 4 काटे हैं टाइगर ने। सुल्तान और टाइगर दोनों ही पिक्चर एक ही हीरो ने बनाई है, लेकिन यहाँ आपस में लड़ते हुए सुल्तान वर्सेस टाइगर, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं आरिफ भाई, और रेंज थोड़ी सी और निकाल दी गई है बाहर की तरफ, पतंग को लगातार निकालते हुए धीरे धीरे बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए निकलता हुआ मुठ्ठा बनाया काफ़ी दूर से, पट पे करके थोड़ा सा खाली कराया। अन्नू भाई और ज़्यादा जगह ले रहे हैं, 600-700 मीटर भी रेंज में पतंग चली गई है दोनों की। निकलता हुआ मुठ्ठा काफ़ी दूर से बना रहे हैं पतंग को चमकाते हुए, अन्नू भाई अंदर के मुठ्ठे पे पतंग को ऊंचा करते हुए क्रॉस मुठ्ठा बनाया काफ़ी दूर से, उसी को ताका से मारते हुए अन्नू भाई ने भी बाहर का मुठ्ठा बनाया। दोनों लोग बाहर के मुठ्ठे पे ताका से खींचते हुए और अन्नू भाई ने बाहर की तरफ खींचते हुए काट दिया। 7-4 का स्कोर टाइगर और सुल्तान के बीच में, 4-4 का स्कोर बराबर शाने मुगल की ओर से ऊपर का पेड़ लड़ाते हुए, और नीचे से फिर से एक बार आए तौसीफ भाई मूनलाइट के लिए, टेढ़ा करा के जगह लेते हुए ऊपर से शाने मुगल के मेंबर काफ़ी ऊंचे पे पतंग को रोके हुए हैं, जगह लेते जा रहे हैं तौसीफ भाई, टेढ़ा कराते चले जा रहे हैं लगातार। निकलता हुआ मुठ्ठा बनाया काफ़ी दूर से झोल छोड़ते हुए, उसी को मार रहे हैं करीब करा, फिर से रुके, थोड़ी सी पतंग बढ़ है शाने मुगल की, और तौसीफ भाई और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेते हुए अपनी पतंग को धीरे धीरे ऊँचा करते हुए बीच अपनी पतंग को बनाए हुए हैं शानी मुगल के मेंबर। सीधा उतारा, रोका, निकलता हुआ क्रॉस मुंडा बनाया, उसी को ताका से मारते जा रहे हैं रोके हुए तौसीफ भाई। तौसीफ भाई ने भी रोक के क्रॉस की तरफ खींचा है, दोनों लोग अपनी ताका से खींचते हुए, और अब की बात तौसीफ भाई ये पेज कट गए, तो एक पेज और काट दिया शानी मुगल ने, और 5-4 का स्कोर हो गया है मूनलाइट और शानी मुगल के बीच में। 7-4 का स्कोर, ऊपर से फिर से एक बार टाइगर और नीचे से एक बार सुल्तान, तो कहीं ना कहीं सुल्तान भारी पड़ता हुआ टाइगर पे, और ऑल इंडिया 4th प्लेस पे थे टाइगर नाइट क्लब, लेकिन देखना होगा क्या अरुण भाई अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं आगे तक, ले जा पाएंगे कि नहीं। 7 पेज काट चुका है सुल्तान और 4 पेज खाली काटे हैं टाइगर ने, पेज सही हो गया। फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए हमारे शकील भाई चलते हैं पेज पे, सही की सीटी बजा दी है, एम्पायर बदलता जा रहा है, धूप थोड़ी तेज़ है, हर किसी को चांस मिले एम्पायरिंग की, क्रीज एम्पायरिंग की, सब चीज़ों की। बीच में मुद्दा बनाए हुए हैं पतंग को चमकाते हुए अरुण भाई टाइगर क्लब के लिए, इन्होंने बहुत बढ़िया गेम लड़ाया था ऑल इंडिया में और अपने टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। रेंज फिर से निकलती जा रही है करीब 650 के करीब, बीच में पतंग को बनाए हैं, थोड़ी सी हवा राइट हैंड की तरफ चली गई है, नीचे से अन्नू लड़ा रहे हैं सुल्तान के लिए। 7-4 का स्कोर, कोई जल्दबाजी नहीं अब की बार, बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए अन्नू और ज़्यादा टेढ़ा करा के पतंग को ऊँचा करते जा रहे हैं, थोड़ी सी पतंग अन्नू भाई की बड़ लग रही है सुल्तान के मेंबर की, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए ये खड़े हैं अन्नू भाई भी बड़े आराम से खड़े हुए हैं क्रीज एम्पायरिंग करते हुए, कासिम भाई टेढ़ा करा के जगह ले रखी है, रेंज बढ़ रही है, दोनों लोग डोर निकालते जा रहे हैं और ज़्यादा जगह लेते हुए। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, अन्नू ने भी बाहर का मुड्ढा बनाया, चक्कर लिए पतंग को चमकाया, चमका के फिर से बाहर की तरफ सल्लक खींचा, अरुण ने भी मुड्ढा बदल के अंदर की तरफ खींचा, लेकिन सल्लक अन्नू बाहर की तरफ खींच रहे और ये पेच काट दिया। तो 8-4 का स्कोर हो गया टाइगर और सुल्तान के बीच में। तो आर्मी के लिए एक बार फिर से ऊपर का पेल लड़ाते हुए बॉबी भाई, 7-1 का स्कोर है, 1 काटे हैं आर्मी क्लब ने और 7 काट दिए हैं शीश महल ने, और शीश महल की ओर से फिर से नीचे का पेल लड़ाते हुए शाहब, चलते हैं शाहब के पेज पे, अपनी पतंग का मुड्ढा बीच में अपनी उतारते हुए धीरे धीरे, पेज सही हो गया। फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए शकील भाई काफ़ी बढ़ करके अब की बार बॉबी पतंग का मुड्ढा उतार रहे हैं, अपनी पतंग को धीरे धीरे ऊँचा करते हुए डोर लगातार निकालते जा रहे हैं बॉबी भाई।
काफ़ी बड़ पतंग हो गई, नीचे से टेढ़ा करा के पत्ता खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शाह भाई अंदर की तरफ जगह लेते चले जा रहे हैं बहुत बढ़ करके अपनी पतंग को, अब ऊपर की तरफ खींचते हुए लगातार रेंज को थोड़ा सा कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। बॉबी भाई आर्मी के मेंबर, तो कुछ हो गया है फ्रेंड्स पेज पे, देखते हैं क्या होगा। सीटी बजी है, पेज सही होती पेज हो गया, लेकिन सीटी भी बजी थी उसी वक्त। देखते हैं क्या हुआ है, क्या सही क्रीज सही हुआ, फिर फ्रंट का पेस सही हुआ, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, चल के देखते हैं क्या बात है। देख लीजिए भाई पास में ही रखा है, लेकिन छुआ नहीं। क्रीज में पैर टच हो इसी को लेके बात हो रही है, अब बॉबी भाई लड़ा रहे थे, ये बगल में रखा हुआ था, आ जाइए अभी थोड़ी देर बाद आप पतंग तैयार करिए, अभी डिसीजन दे रहे, तो डिसीजन पेंडिंग में है। शकील भाई आप देख लीजिए, आप पतंग जाके तैयार करिए, जो बताया जा रहा है अभी डिसीजन आ जाएगा, डिसीजन पेंडिंग में। सोडी भाई भी आ गए हैं, आसिफ भाई भी आ गए हैं, तो देखते हैं क्या लिख लेंगे। सैफुल भाई भी आ गए हैं, पेज तो वीडियो देख कर यहाँ आ जाइए। सोडी भाई देख रहे हैं अभी, और दूसरा पेज फिरने लग गया है टाइगर काइट क्लब का सुल्तान से, देखते हैं क्या डिसीजन निकलेगा, क्या हो गया था, क्योंकि ये हो गया था क्रेज में पैर छू गया, उसी वक्त कैंसिल कराया गया, पहले से कटा दिया गया, उसकी वजह से वो रुक गए थे, जिसकी वजह से पतंग भी कट गई। बॉबी भाई तो पैर लग गया बता रहे हैं, देखिए पैर लग गया है बोल रहे हैं, अब देखते हैं क्या निकलता है। सोडी भाई कमेटी के कुछ मेंबर आपस में बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या डिसीजन निकालते हैं सारे कमेटी मेंबर बात करते हुए। और सुल्तान और टाइगर का पेज आ गया फिर से, अगर इसमें नहीं आता है तो वीडियो में आ गया है, पैर टच हो गया है, जिसकी वजह से कटे में पेज दे दिया गया है आर्मी काइट क्लब का। फोन लाइट की ओर से एक बार फिर से आ गए हैं शहजान भाई ऊपर का पेज लड़ाते हुए, 6-4 का स्कोर चल रहा है, 6 पेज काट दिए हैं शानी मुगल ने मून लाइट को, और नीचे से अनस लड़ाते हुए शानी मुगल के लिए चरखी दिखाते हुए अनीस भाई, चलते हैं पेज पे, पेज सही हो गया, फ्रंट एम्पायरिंग फिर से चेंज हो गई है, और सैफुल भाई फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब सहयोग कर रहे हैं टूर्नामेंट में। अंदर के मुद्दे पे पतंग को उतारते हुए शहजान, बीच में अपनी पतंग को लगा उतारते हुए, पेज सही है, पट पे करके खाली कराया अनीस ने, काफ़ी पढ़ करके लड़ा रहे हैं शहजान। ऊपर से शहजान दोबारा से मुड्ढा रखते हुए सही होने पर पतंग को चमकाते हुए अनस, शानी मुगल के मेंबर क्रॉस मुड्ढा बनाया निकलता हुआ है शहजान ने, पतंग सीधी हुई है, दोबारा से अंदर का मुड्ढा जैसे ही बना रहे थे अनस, ये पेज कट गए। तो 6-5 का स्कोर हो गया है मूनलाइट और शानी मुगल के बीच में। तो वसीम भाई आ गए आर्मी के लिए और अपना आखिरी पेज लड़ाएंगे, नवा पेज होगा, अगर काटेंगे तो आगे तक लड़ाएंगे, अगर कट गए तो यहाँ पे आर्मी काइट क्लब आज बाहर हो जाएगा। और शीश महल के मेंबर नीचे से फिर से एक बार शाहब बढ़िया पतंग लाते हुए 8 पेज काट चुके हैं शीश महल के मेंबर आर्मी को, पेज आ गया है, दोनों पतंगे रेंज में, पेज सही हो गया नीचे से शाहब और ऊपर से वसीम, बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए 8-1 का स्कोर है, शीश महल ने 8 काटे हैं, आर्मी क्लब ने 1 काटा है, बीच में अपनी पतंग को उतारते आ रहे हैं, काफ़ी बढ़ करके पतंग का मुड्ढा उतार रहे हैं, टेढ़ा करा के जगह लेते हुए शीश महल के शाहब, बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए हैं लेकिन काफ़ी बढ़ करके निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं वसीम, उसी को लेकर चल रहे हैं, सल्लक बाहर का मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे ताकत भर रहे हैं, पतंग सीधी होती जा रही है, अंदर की तरफ क्रॉस खींचा है, रुके फिर से बाहर का मुड्ढा खींचते हुए अंदर की तरफ टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं शाहब, पतंग को अपना ऊंचा करा, पतंग को चमकाया, बाहर की तरफ मुड्ढा क्रॉस बनाया, पट पे दोनों पतंगे काफ़ी नीचे पेज आ गए लेकिन रुक नहीं रहे हैं वसीम, उसी को ताकत से मारते आ रहे हैं, पतंग को अभी भी चमका रहे हैं और अंदर के मुड्ढे पे पत्ता खींचने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी झोलदार पतंग है वसीम की और खुद खींच के कट गए। 8-2 का स्कोर हो गया है आर्मी और शीश महल के बीच में। फ्रंट एम्पायरिंग करते हुए हमारे सैफुल भाई, सैफुल भाई और बताइए पहला दिन आज इस टूर्नामेंट का। बहुत बढ़िया भैया, टूर्नामेंट हो रहा है जी, एक मैसेज देना चाहेंगे जी जी टीमों को जी, ये हम लोग का टूर्नामेंट कराने में सहयोग करे, हवाएं अगर हैं तो जल्दी से जल्दी लड़ाएं जिससे जल्दी टूर्नामेंट खत्म हो सके। 128 टीमों का ऑल इंडिया के एकदम रूल फॉलो करते हुए टूर्नामेंट हो रहा है, ये टूर्नामेंट हम लोग
को कराना तो नहीं चाहिए था क्योंकि दो दो जगह और भी ऑल इंडिया चल रहे हैं, ऑल इंडिया चल रहे हैं। लखनऊ हर साल टूर्नामेंट करवाता है, इस वजह से टूर्नामेंट हम लोग ने अनाउंस किया है। लखनऊ की कुछ नई टीमें भी हैं, उनको भी हम लोग ने मौका मिल रहा है, नए प्लेयरों को भी लड़ाने का एक टूर्नामेंट का आइडिया हो जाएगा कि टूर्नामेंट में कैसे क्या होना, क्योंकि सारे रूल वही हैं, सब कुछ वही है। बल्कि दो रूल और बढ़ाए गए हैं कि आपको शूज पहनना है रिंग में, और रिंग में अगर पैर छूता है, क्रीज पे छूता है, तो वो भी आप कटे में माने जाएंगे। साथ में हमारे बाबा भाई हैं, हिंदुस्तान के ही मेंबर हैं, राज भाई हैं, क्या कहना आप लोगों का? और ये हमारे अरसलान भाई हैं, क्या कहना भैया, आप लोग भी कुछ कुछ कहिए। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है जी, और सीजन के हिसाब से जो मौसम है वो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हवाएं भी अच्छी चल रही हैं अब, और जो ये मैदान जी इसकी तारीफ बहुत अच्छी, शहर के करीब है, आदमी आराम से आ जाता है, स्पोर्ट्स का मजा ले रहा है, टहल टहल के पतंगबाजी हो रही है। बाबा भाई हैं, इन्होंने भी एक लखनऊ महोत्सव का टूर्नामेंट जीता हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो हमारी कमेटी है जी, कमेटी के जितने भी लोग हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, कमेटी का सहयोग है, टीमों का सहयोग, तभी एक टूर्नामेंट पूरा हो जाता है हमेशा लखनऊ में। इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो सब एक से एक धुरंधर हैं जी, पतंगबाज, एक से एक सबने टूर्नामेंट इन्होंने उठाए हैं, लड़ाए हैं, सही बात, एक्सपीरियंस काफी है सबको, बहुत बढ़िया है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये टूर्नामेंट हो रहा है, चलते हैं पेज कवर करते हैं। एक बार फिर से आ गया शाने मुगल ऊपर के पेज के लिए, और नीचे से पहुंच गए हैं शहजान भाई मूनलाइट के लिए। तो शाने मुगल के लिए ऊपर से फिर से पेज लड़ाते हुए अनीस भाई, और नीचे से पहुंच गए हैं शहजान भाई मूनलाइट के लिए। 6-5 का स्कोर, 6 पेज काटे हैं शाने मुगल ने, 5 पेज काटे हैं मूनलाइट ने, पेज सही हो गया। बीच में अपनी पतंग को उतारते हुए शाने मुगल के मेंबर अनीस भाई, नीचे से पतंग को ऊंचा करते हुए शहजान भाई, करने की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा बाहर की तरफ पतंग निकालते हुए अनीस भाई, पट पे करके थोड़ा सा खाली कराया, दोबारा से अंदर के मुड्ढे पे जगह ले रहे हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए शहजान भाई थोड़ा सा पट पे करके खाली करा रहे हैं, गर्दन की तरफ अपनी पतंग को लेके जा रहे हैं अनीस भाई। शाने मुगल के मेंबर धीरे धीरे पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए, और शहजान भाई और ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ पतंग को निकाल रहे हैं अनीस भाई। शाने मुगल के मेंबर पे सही चल रहा है, 6-5 का स्कोर, दोनों में ही टक्कर चल रही है शाने मुगल और मूनलाइट। मूनलाइट ऑल इंडिया रनर है 2022 का, कोई जल्दबाजी नहीं, शहजान भाई भी अपनी पतंग को चमका रहे हैं, ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहरी बाहर अपनी पतंग को निकालते हुए अनीस भाई, पेस सही चल रहा है। 3 मिनट का टाइम है कमेटी की ओर से पेल लाने का, और 2 बार और 3 बार अगर कैंसिल हो गया तो दोनों को कटे में दिया जाएगा। अपनी पतंग को काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दिया है शहजान भाई ने, अनीस भाई अपनी पतंग को उठाते ले जा रहे हैं, थोड़ी सी पतंग अनीस भाई की बढ़ है, बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए फिर से मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए, 1.5 मिनट हो गया इस पेज को, पेज सही चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अंदर के मुड्ढे पे अपनी पतंग को उतारते हुए रुके निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, ताकत से शहजान भाई ने पतंग को खींचा, अंदर के मुड्ढे पे अनीस भाई ने पतंग को उतारा, उसी मुड्ढे को उतारते आ रहे, बाहर की तरफ क्रॉस खींचा शहजान भाई ने, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए, और अब की बार अंदर के मुड्ढे पे सल्ला खींचते हुए ये पेज अनीस भाई ने काट दिया, और इसी के साथ 7-5 का स्कोर हो गया है शाने मुगल और मूनलाइट के बीच में। शीश महल की ओर से ऊपर का पेल लड़ाते हुए अजहर भाई, 8-2 का स्कोर है, पेज सही हो गया, काफ़ी रेंज में पेज है। नीचे का पेल लड़ा रहे हैं वसीम, ऊपर से काटा था और नीचे की चांस अब ली है, काफ़ी रेंज में पतंगे हैं, पतंग की रेंज को कम कराते हुए अजहर, शीश महल के मेंबर लगातार पतंग को खींचते हुए और अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते जा रहे हैं। वसीम भी आर्मी के मेंबर, 8 पेज काटे हैं शीश महल ने, 2 पेज काटे हैं आर्मी ने, पेज सही चल रहा है, दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ पतंग को खींचते हुए लगातार पतंग को सिर्फ खींचा जा रहा है, काफ़ी रेंज में पतंग फिरी है, सही होने के बाद दोनों लोग सिर्फ रेंज को कम करा रहे हैं। अभी भी 400 मीटर की रेंज होगी, बहुत आराम से ज़्यादा ही होगी। बीच में अपनी पतंग को मुड्ढा उतारा अजहर ने, सीधा मुड्ढा मारते जा रहे हैं। वसीम ने पतंग को चमकाया, पतंग को चमकाते हुए पट की तरफ खींचा, ताकत से अजहर ने गद्दा मारा, तेज थपकियाँ मार रहे हैं वसीम, अंदर के मुड्ढे पर लगातार खींचते हुए अजहर भाई ये पेज काट दिया, और 9-2 के स्कोर से जीत लिया है शीश महल ने आर्मी क्लब को बाहर करके। ए पुल का सेकंड राउंड का मैच शीश महल वर्सेस सुल्तान के बीच में होने जा रहा है। कॉल आप करेंगे? कॉल अजहर भाई करेंगे। उधर से फैज बाबा सिक्का उछाला है, सिक्का कहाँ गया? ये पड़ा हुआ है सिक्का, हेड आ गया। शीश महल टॉस जीता है भाई। साइड कौन सी लेंगे? राइट साइड। दोनों लोगों की पतंग तैयार है, सेकंड राउंड होने वाला है। अंदर के मुड्ढे पे अनीस भाई फिर से अपनी पतंग को लगातार उतारते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ जिम्मी भाई खींच के ले आए हैं, और आखिरी पेज है, उम्मीद है जिम्मी भाई का भी, उसके बाद शायद एक पेज बचेगा वो शहजान भाई का होगा, तो देखते हैं क्या होगा। मूनलाइट वर्सेस शाने मुगल,
अपनी पतंग को ऊपर से अंदर के मुड्ढे पे लगातार उतारते हुए अपनी पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, ज़्यादा जगह लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। जिम्मी भाई मूनलाइट के लिए अनीश भाई ऊपर से बने हुए हैं, अंदर के मुड्ढे पे फिर से अपनी भारी पतंग को उतारते हुए अनीश भाई सल्लग अंदर का मुड्ढा बना लिया, उसी को ताकत से खींचा, रुके निकलता मुड्ढा बनाया, पट पे खींच रहे हैं। जिम्मी भाई भी डोर फेंकी अंदर के मुड्ढे पे दिखाते थे, थप क्या मारी और अनीश भाई ये पेच कट गए, बढ़िया पेच ये काट दिया जिम्मी भाई ने, और 7-6 का स्कोर हो गया है इसी के साथ मून लाइट और शाने मुगल के बीच में। ये हमारे न्यू मिलन के सारे मेंबर शानू भाई, राज भाई, सोनी भाई, आमिर भाई, सचिन भाई, क्या कहना है आप लोगों का, आप लोग की पतंग नहीं तय हो रही सुना है हमने यहाँ मैदान पे, क्या टीमें देखना है क्या तय करने के लिए? आज हम लोगों ने पतंग जानबूझ के नहीं तय की क्योंकि आज हमारे सोनी भाई लेकिन देखिए सब माल मटेरियल लेके चल रहे हैं कि जैसी तय हो लड़ाना शुरू, मतलब घर नहीं जाना है, ये देखिए सब मतलब बंडल अंदर सब रेडी है कि बस तय हो जाए लड़ाना यहीं से शुरू कर देंगे। ये हमारे सोनी भाई लेके आए हैं चेक करने के लिए डोरे, अच्छा बहुत अच्छी डोरे तो बनवा दीजिए किसी को यहीं टूर्नामेंट में चेक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे सभी क्लब लड़ रहे हैं, देखते हैं, लाइए हमको दे दिए, हम चेक करके 2 महीने बाद वापस कर देंगे, ले ले नहीं भैया हम नहीं लेंगे, आप लोग चेक करिए। सोनी भाई क्या कहना, बिल्कुल आप ले लीजिए, आप चेक करके वापस कर दीजिएगा फिर। अच्छा बंडल लगा और क्या आमिर भाई आपका क्या कहना, आमिर भाई के बंडल इसलिए दिए जा रहे हैं चेक करने के लिए सबको? अरे इनका तो खुला आसमान है, इनका खुला आसमान है खुला आसमान है तो एंजॉयमेंट हो रहा है शानू भाई? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है देखने। तो आप लोग को सुना है कहीं दिल्ली ली जाने का प्लान भी है? नौ को दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा 9 को आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, चलिए। अच्छी हवा चल रही है। सेकंड राउंड का पहला पेज सुल्तान और शीश महल में, शीश महल ने काट दिया है, और ये हमारे साथ अन्नू भाई, जुनैद भाई क्या कहना है, क्या गलती कर दी? अरे बहुत दूर से करता, मतलब बहुत करीब से करता, हमारा टाइम नहीं मिला पूरा खींचने का, तो अभी आ रहे होंगे लौट के हमारे गुफरान भाई, उनको बताइएगा कि हम लोग बहुत करीब, अभी तो बहुत चांस है, बहुत चांस है। और ये रहे राजू भाई पतंग को तैयार करते हुए अपनी, कौन लड़ाएगा अगला पेज? राजू लड़ाएंगे। यहाँ ये कहने कुछ कहने के लिए कि भैया वो ऐसा नहीं वैसा, आपको पेज लाना ही है सोच के पता लगाइएगा, इस पेज के बाद अगर पेज कैंसिल हुआ तो पेज कटे में जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो सोडी भाई ने कह दिया 2 बार कैंसिल हो चुका, अब की बार अगर कैंसिल हुआ तो पेज कटे में जाएगा, कमेटी या किसी भी मेंबर के पास आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 7-7 का स्कोर बराबर है, और अब की बार अगर कैंसिल हुआ तो 8-8 का स्कोर बराबर हो जाएगा। तो पेज सही हो गया 3री बार, और ऊपर से शाने मुगल के अनीस भाई और नीचे से जिम्मी भाई काफ़ी बढ़ करके लड़ा रहे हैं बाहर की तरफ पतंग को फिर से निकालते हुए, 7-7 का स्कोर है, देखते हैं अब की बार क्या होगा। निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, काफ़ी बढ़ करे हुए हैं अब की बार जिम्मी भाई अपनी पतंग को, अनीस भाई भी पतंग को बढ़ करते हुए बाहर ही बाहर अपनी पतंग को निकाल रहे हैं, मूड बना लिया है, बिल्कुल फंसा के लड़ाएंगे, ताकत से जगह लेते हुए जिम्मी भाई मूनलाइट के लिए, और सल्लग बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए अनीस भाई शाने मुगल के मेंबर दौड़ निकालते जा रहे हैं, गर्दन के बाद डबल करने की पूरी कोशिश है, जगह लेते हुए सीधे पतंग को उतारा, काफ़ी करीब हो गए दोनों लोग, अंदर की मुट्ठी दिखाए, तेते थपकियाँ मारी, दौड़ निकालते जा रहे हैं, जिम्मी भाई पट पे खींचा, ताकत से गद्दा मार दिया निकलता हुआ, और ये पेच काट के 8-7 का स्कोर कर लिया है शाने मुगल के अनीस भाई ने। सेकेंड राउंड चल रहा है सुल्तान का शीश महल से, एक पेज से आगे है शीश महल, राजू आ गए हैं ऊपर से लड़ाने के लिए, और नीचे से लड़ा रहे हैं शीश महल के साहब, साहब ने बढ़िया पेच काटे हैं, तो चलते हैं पेज पे, देखते हैं 2-0 का स्कोर होगा सुल्तान के सामने या 1-1 का स्कोर बराबर होगा सुल्तान वर्सेस शीश महल का। नीचे से जगह लेते हुए शीश महल के साहब, और ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए राजू भाई, तो अंदर के मुड्ढे पे उतारते हुए धीरे धीरे पतंग को, और साथ में हमारे बने हुए हैं बाबा भाई, पेज सही हो गया, बाबा भाई क्या कहना है? बहुत बढ़िया पेज हो रहा है और दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया लड़ा, दोनों बढ़िया लड़ा रहे हैं, राजू ने भी अपनी टीम के लिए फर्स्ट राउंड में बढ़िया पतंग काटी है, और नीचे से शाहब कंटिन्यू शीश महल के लिए भी बढ़िया लड़ा रहे हैं, तो देखने वाला पेज होगा दोनों ताकत में लड़ाएंगे या फंसा के, क्यों बाबा भाई? जी जी बिल्कुल, तो पेज सही हो गया है, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए जगह लेते हुए नीचे से साहब, ऊपर से अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पे उतारते हुए राजू, सुल्तान के मेंबर करीब करके रोका, बाहर की तरफ क्रॉस खींचते हुए साहब, रोक के अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए झोल काटने की कोशिश, रुके निकलता मुड्ढा बनाया, राजू ने भी करीब करे करीब करके क्रॉस मुड्ढा बनाया, अंदर की तरफ पहल करके क्रॉस खींचा और झोल कट गया राजू भाई का, बढ़िया पेज ये काट दिया, 2-0 का स्कोर हो गया शीश महल वर्सेस सुल्तान क्लब। और फ्रेंड बहुत तेज़ लड़ा रहा, अभी एक पेज लड़ा है
सुल्तान और शीश महल का, और दूसरा पेज भी लगातार दोनों पतंगे उड़ी हैं। टूर्नामेंट चल रहा है लेकिन दो दो पतंगे उड़ा रहे हैं, इतनी जल्दी पेज लड़ रहा है। और उधर से सुल्तान की भी दूसरी पतंग, वो 3-0 का स्कोर चल रहा है सुल्तान और शीश महल पे, लेकिन पतंगे पेज पे पहले से रखी जा रही है। तो एक पेज हुआ तुरंत दूसरा पेज, टूर्नामेंट में ऐसा बहुत कम होता है कि एक पेज के ऊपर तले ऊपर दूसरा पेज भी होता रहे लोकल की तरह एकदम। तो बढ़िया गेम लड़ा रही है टूर्नामेंट के अंदर सुल्तान और शीश महल। तो अन्नू भाई ऊपर का पेज आ गए पतंग को चेक करते हुए, टूटे ना, और नीचे से बने हुए शहाब चरखी दिखाते हुए फैज़ भाई शीश महल के लिए। 3-0 का स्कोर चल रहा है, 3 पेज से आगे चल रहा है शीश महल सुल्तान क्लब से। सेकंड राउंड है ये, पतंग चमकाते हुए जगह लेने लग गए हैं शहाब शीश महल के मेंबर। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए अन्नू, दोनों ही ताकत से खींचने वाले प्लेयर, रेंज 500 के करीब करीब। नीचे टेढ़ा करा के जगह लेते हुए अन्नू की पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ है, अपनी पतंग को ऊपर की तरफ खींचते हुए अंदर के मुड्ढे पे पतंग को लगातार ऊंचा करते जा रहे हैं शहाब शीश महल के लिए। 3 पेज काट चुके हैं, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए थोड़ी सी पतंग बढ़ है अन्नू भाई की, पतंग को चमकाते हुए सल्लग अंदर के मुड्ढे पे पतंग को चमका रहे हैं, ऊंचा करके मुड्ढा दिया, निकलता हुआ मुड्ढा क्रॉस बनाया, काफ़ी बढ़ करके पतंग को चमकाते हुए झोल लगाने की कोशिश, ताकत से खींचा डोर पे की पतंग को चमकाया, क्रॉस मुड्ढा बनाया, करीब करा दोनों लोगों ने, बाहर की तरफ खींचते हुए क्रॉस मुड्ढा मारा अन्नू ने, दोनों लोग खींच रहे हैं और फिर से ये पेज काट दिया और 4 पेज अपने पूरे कर लिए शहाब ने शीश महल के लिए। 4-0 का स्कोर शीश महल और सुल्तान के बीच में। फर्स्ट राउंड लखनऊ सिटी और उड़ान, उड़ान के मेंबर 8 पेज काट चुके हैं लखनऊ सिटी को। ये खड़े हैं लखनऊ सिटी के मेंबर जो अपना आखिरी पेज लड़ा रहे हैं। 7 और 8 का स्कोर है, पेज सही हो गया है, निकलता मुड्ढा सही होते ही बना लिया, रुक नहीं रहे लखनऊ सिटी के मेंबर, अलग बाहर की तरफ मारते हुए बाहर की तरफ क्रॉस खींच रहे हैं उड़ान के मेंबर भी, और ये पेज कट गए। तो 8-8 का स्कोर फिर से बराबर हो गया है लखनऊ सिटी और उड़ान के बीच में। सिटी बसते ही बस खींचना शुरू कर रहे हैं, कोई मतलब पतंग चमकाना है या डोर फेंकना कुछ नहीं, एक मुड्ढा जो बना वही दोनों लोग खींच रहे हैं। 8-8 का स्कोर बराबर उड़ान और लखनऊ सिटी के बीच में। तो सुल्तान के लिए एक बार फिर से आ गए हैं राजू भाई, 4-0 का स्कोर है शीश महल वर्सेस सुल्तान। सुल्तान के राजू भाई ऊपर का हाथ चलाते हुए, और नीचे से फिर से एक बार शहाब बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं, पहला राउंड भी बढ़िया लड़ाया, सेकंड राउंड भी बढ़िया लड़ा रहे हैं, 4-0 का स्कोर कर रखा है, पेस सही हो गया है। नीचे से जगह लेते हुए शहाब खेड़ा कराते जा रहे हैं, बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा रखे हुए हैं सुल्तान के मेंबर, और हमारे साथ बने हुए हैं बाबा भाई। बाबा भाई क्या कहना है, 4 पेज शहाब ने काट दिए हैं, 4-0 का बढ़िया स्कोर कर रखा है जी। और सुल्तान वाले तुरंत ताबड़तोड़ मतलब लग ही नहीं रहा है कि टूर्नामेंट लड़ा रहे, जल्दी जल्दी पेज भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? शीश महल वालों की पतंग भी बहुत अच्छी है, पतंग अच्छी लड़ा रहे हैं और उन्होंने क्रीज भी बहुत अच्छी जगह लगा रखी है, सब कुछ सेट है एकदम, लड़ाने वाला भी बहुत अच्छे मुड्ढे बदल बदल के लड़ा रहे हैं। शहाब लड़ा रहे हैं, झुकाई दे दी, मतलब अपना सच्चा पेज है तभी इसको पूरा खींच रहे हैं लड़ा रहे हैं, वरना उसको खाली करा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो शीश महल का प्लेयर है जी, वो अपने झोल को मेंटेन करके लड़ा रहा है, मेंटेन कर, यही उसकी वजह है जो उसने चार काट बढ़िया पतंग लड़ा रहा है। और ये बाबा भाई हमारे हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर हैं जो साथ में बने हुए हैं हमारे, बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए राजू भाई, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, सही हो गया, फिर से पट पे करके खाली करा रहे हैं, धीरे धीरे मुड्ढा को रोका, अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचना शुरू कर दिया है, निकलता हुआ हमारा राजू ने, दोनों लोग अपनी ताकत लगाते हुए हैं, लेकिन अब की बार शाहब भाई ये पेच कट गए जी राजू, वो जो है अपना झोल मेंटेन नहीं कर पाए, पट पे खींचे तुरंत ऊपर खींचा, उन्होंने जो है जल्दबाजी कर दी। तो एक पेज हो गया सुल्तान का, और इसी के साथ स्कोर 4-1 का हो गया सुल्तान और शीश महल के बीच में। तो गौरव भाई ऑल ऑल का पेज लड़ाएंगे लखनऊ सिटी के लिए, और इधर से बने हुए हैं उड़ान के मेंबर, उड़ान वर्सेस लखनऊ सिटी ऑल ऑल का पेज होगा, देखते हैं ऑल ऑल में कौन अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करेगा फर्स्ट डे में लोकल सैफी काइट टूर्नामेंट में। ये हमारे हसीब भाई फ्रेंड एम्पायरिंग करते हुए, हसीब भाई क्या कहना है? बढ़िया मैच हो रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि कोई भी एक तरफा नहीं हो रहा है, रूल भी सारे फॉलो हो रहे हैं और जल्दी जल्दी गेम हो रहा है, उम्मीद है कि इस तरह से चलता रहा तो जल्दी टूर्नामेंट भी हो जाएगा, और अभी कुछ ही देर में हमारे चीफ गेस्ट भी आ रहे होंगे। तो क्रिस की सिटी सही हो गई है, फ्रेंड इंपायरी करते हुए हसीब भाई चलते हैं हम लोग पेज पे, देखते हैं ऑल ऑल पे कौन काटेगा। पहला दिन ऑल ऑल पे 8-8 का स्कोर बराबर उड़ान वर्सेस लखनऊ सिटी, पेज सही हो गया है, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, करीब कर रहे हैं थोड़ा सा घेरते हुए, अब की बार लखनऊ सिटी के मेंबर पतंग को बढ़ करते हुए बाहर की तरफ, शानू ने भी दिखाया अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ऊंचा करते हुए अंदर के मुड्ढे पे जगह बनाते हुए, ऑल ऑल का पेज, दोनों की धड़कनें तेज, देखते हैं कौन निकालेगा अपना फर्स्ट राउंड। पेज सही चल रहा है, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया लखनऊ सिटी के मेंबर ने, उसी मुड्ढे को ताकत से खड़ा खींचा, पतंग अंदर की तरफ आ रही है, और ये पेज लखनऊ सिटी के मेंबर कट गए। तो ये पेज काट के उड़ान ने अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है लखनऊ सिटी को बाहर करके। 8-7 का स्कोर चल रहा है, ऊपर से मूनलाइट के मेंबर, आखिरी पेज है शहजान भाई का, और 8 पेज काट दिए हैं शाने मुगल ने।
तो देखते हैं शाहजान भाई कि अपने आखिरी पेज से दो पेज और काट पाएंगे कि नहीं। और काफ़ी भीड़ है, शाम होती जा रही है, देखने वाले भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं ग्राउंड के ऊपर। और नीचे से बने हुए हैं शान मुगल के मेंबर राजेश भाई, लड़ा रहे हैं नीचे का पेज, देखते हैं क्या होगा। 8 पेज काटे हैं शान मुगल ने, 7 पेज काटे हैं मूनलाइट ने। 2022 का ऑल इंडिया रनर है मूनलाइट लखनऊ। पेज सही हो गया है, नीचे से राजेश भाई और ऊपर से शाहजान भाई, सही होते ही निकलता हूँ उल्टा बनाया, करीब करके रुके, पट पे खींचा राजेश भाई ने, अंदर की तरफ क्रॉस खींच रहे हैं, शाहजान भाई ने अपनी पतंग को उठा लिया, राजेश भाई जगह लेते चले जा रहे हैं शान मुगल के लिए। शान मुगल को राउंड क्लियर करने के लिए फर्स्ट राउंड है, एक पेज काटना है, और मूनलाइट के लिए शाहजान भाई को अगर राउंड क्लियर करना है तो दो पेज काटने होंगे। बाहर की तरफ राजेश भाई भी अपनी पतंग को निकाल रहे हैं, रेंज 600 के करीब, बहुत आराम से अपनी पतंग को ऊंचा करते हुए राजेश भाई, बीच में पतंग का मुद्दा बनाए हुए हैं शाहजान भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, अंदर के मुद्दे पे पतंग को उतारते हुए शाहजान भाई बाहर का मुद्दा बनाया, करीब करा, रोका, निकलता होना है, पट पे खींच के खाली कराना चाह रहे हैं राजेश भाई, लेकिन ज़्यादा नीचे अपनी पतंग को नहीं ले जा रहे हैं शाहजान भाई मून लाइट के लिए। दोबारा से अपनी पतंग को बीचों बीच में रखते हुए पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं राजेश भाई, ज़्यादा ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेने का मौका नहीं दे रहे हैं शाहजान भाई को, अंदर के मुड्ढे पे शाहजान भाई पतंग को उतारते हुए काफ़ी ऊंचा करके अपनी पर मुड्ढा दिया, फिर से क्रॉस पट पे खींच रहे हैं शाहजान भाई, रुके, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से भरते हुए राजेश भाई ने भी बाहर का मुड्ढा बनाया, लेकिन अब की बार काट काट जल्दी हुई और राजेश भाई ये पेज कट गए। 8-8 का स्कोर फिर से हो गया है शान मुगल और मूनलाइट के बीच में, फिर से लड़ाई का एक गेम ऑल ऑल का। पहले दिन पेज सही हो गया, 4-1 का स्कोर चल रहा है। नीचे से शीश महल के शहाब आ गए हैं फिर से और ऊपर से राजू पतंग का मुड्ढा रखते हुए 4 पेज से आगे चल रहा है शीश महल काइट क्लब। पेज ऊपर से राजू ने काटा था और नीचे से बुला लिया है शीश महल के मेंबर को, देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। टेढ़ा करा के काफ़ी अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते जा रहे हैं, धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा करीब करा, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से मारते हुए अंदर के मुड्ढे पे पतंग को खींचते हुए रुके, रुक के बाहर का मुड्ढा बनाया राजू, उसी को ताकत से मारते हुए पतंग अंदर की तरफ आई, फिर से रुके, रुके, फिर से क्रॉस मुड्ढा मारा अंदर की तरफ, दोनों पतंगें पट गई और काफ़ी नीचे पतंग, और फिर से राजू भाई ने बढ़िया पेज ये काटा है और धीरे धीरे अपनी पतंग को उठा के ला रहे हैं तारों के बीच से, और देखिए पतंग फंसी, देते धपकियाँ मारी, पतंग काट लाए तो पतंग काट दिए शाहब की, और बढ़िया पेज ये काटा और 4-2 का स्कोर हो गया अब सुल्तान और शीश महल के बीच में। श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी पधार चुके हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं, आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी यहाँ पर आकर के कुर्सियां ग्रहण करें, यहाँ पर आए और अपनी अपनी कुर्सियां ग्रहण करें। हमारे बीच में जितने भी पतंगबाज सीनियर पतंग वाले बाज हैं, जितने भी पतंग उड़ाने वाले सीनियर हैं, हमारे आसिफ भाई माथुर साहब आइए, बिलाल भाई हमारे, राहुल भाई आ जाए यहाँ पर हमारे बीच में, डॉक्टर नीरज बोरा जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में इस पतंग प्रतियोगिता में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी आ चुके हैं। आइए स्वागत। हमारे बीच में माननीय श्री विधायक जी डॉक्टर नीरज बोरा जी आ चुके हैं और हमारे यशपाल सिंह सोढ़ी जी विधायक जी का सम्मान करेंगे हार और गुलदस्ते से। आप सभी से विधायक से तालियों को स्वागत करें। हमारे आशीष भाई हमारे साथ चल रहे हैं। आजिम आगे ये इधर यहाँ आओ, यहाँ से बोलो। हमारे आशीष भाई मुन्ना भाई बंदे बंदे राम शरण जी का मंडल अध्यक्ष जी का भी स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष जी का वो
हमारे मुन्ना भाई रवि गुप्ता जी का भी स्वागत करेंगे, हमारे आशीष भाई, प्रकाश सिंह जी का भी स्वागत करेंगे, सत्येंद्र जी का भी स्वागत करेंगे, शकील शकील आइए शकील भाई, सलीम भाई, अरविंद शुक्ला जी का स्वागत करेंगे, हमारे शकील भाई, अमित जी, बोल भाई जहाँ भी कोई भी आता है वहाँ देखे तो वही नीरज बोल रहा था भैया जी, एक मिनट ये हो रहा है, ये बैठूंगा जो कि चाइना मांडा पूरी तरीके से बैन है, जिसकी वजह से चोट वगैरह भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स मूनलाइट ने ऑल ऑल पे काट दिया है शाने मुगल के अनीस भाई को, और विधायक जी आए हुए थे जिसको कवर करने की वजह से फाइनल पेज नहीं बन पाया, तो फर्स्ट राउंड निकाल लिया है मूनलाइट ने अपना शाने मुगल को बाहर करके, इसीलिए सब बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि वो मांझे कौन सा यूज हो रहा है, तो कहने लगे नहीं कॉटन का यूज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें दूसरों की हिफाजत भी देखनी चाहिए, और ये अच्छी बात है कि हम ऐसे नियम बनाकर गेम्स को करते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो और गेम को गेम की स्पिरिट में लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी विधायक, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बीच में दो शब्द कहे, उनको आश्वासन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर नीरज बोरा जी क्षेत्र के विधायक हुए हैं, तो हम खुद देख रहे हैं कि हमारे बीच में काफी निर्माण हुआ है, और बहुत जैसे एक गुलशन महकता है उसी तरीके से हमारा क्षेत्र महकने लगा है, कभी भी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं मिलती है। बहुत ही बढ़िया कर्मठ नेता है हमारे विधायक श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी, और हमेशा आप हमारे बीच में ऐसे ही बने रहे, हमारी कामना है ये दिल से, आप हमारे बीच में हमेशा बने रहे। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, तालियों से स्वागत करें हमारे डॉक्टर नीरज बोरा जी। तो शीश महल के मेंबर फैज बने हैं 8-2 का स्कोर, 8 पेज काट चुके हैं, कुछ पेज काटे थे शाह भाई ने, दौड़ निकालने के लिए कहा जा रहा है, और ऊपर से सुल्तान के लिए आखिरी पे लड़ाएंगे अन्नू भाई, तो देखते हैं आखिरी पेज पे क्या होगा, क्या एक पेज से गेम पलट पाएंगे सुल्तान के अन्नू भाई, या फिर फैज काट के सेकेंड राउंड अपना क्लियर करेंगे सैफी मेमोरियल लोकल टूर्नामेंट 2023 में। नीचे से जगह लेते हुए फैज भाई, ऊपर से अपनी पतंग का मुद्दा रखते हुए अन्नू, और आज के दिन के गेम यहाँ पे ओवर हो जाएंगे, एक दो पतंगे और हैं, देखते हैं किसी के राउंड लड़ते हैं क्लियर होते हैं कि नहीं।
पेस सही हो गया, बीच में अपनी पतंग का मुड्डा उतारते हुए अनु सुल्तान के मेंबर काफ़ी बढ़ करके लड़ा रहे हैं, अंदर के मुड्डे पे पतंग को खींचते जा रहे हैं लगातार। फैज़ भाई शीश महल के मेंबर पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, पतंग को चमकाते हुए अनु अपनी पतंग को और ज़्यादा बचाने के लिए ऊंचा कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं बिल्कुल एक भी मुड्डा, अंदर के मुड्डे पे ऊंचा खींचते हुए फैज़ भाई पतंग को बचाने के लिए अनु भी और ज़्यादा खींचते जा रहे हैं, अंधेरा भी हो रहा है, रेंज भी कम हो रही, पतंग को चमका रहे हैं। पेस सही चल रहा है, अनु अपनी पतंग को ताने हुए हैं बिल्कुल, रोके हुए आसमान में ही रोके हुए हैं, और फैज़ भाई और ज़्यादा मुड्ढे को चढ़ाते हुए पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, नीचे का पेज एकदम आसमान में पतंग लड़ रही है, लेकिन अनु एक भी मुड्ढा नीचे नहीं कर रहा अपनी पतंग को। पेस सही चल रहा है, दोनों लोग अपनी पतंग को रोके हुए हैं, काफ़ी खड़ी करके लड़ा रहे हैं फैज़ भाई, धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा उतारते हुए अंदर के मुड्ढे पे धीरे धीरे उतारते हुए अनु निकलता हुआ मुड्ढा बनाया काफ़ी दूर से, पतंग को चमका रहे हैं फैज़ अभी भी चमका रहे हैं, करीब करके ताकत से मारा पट पे खींचा फैज़ ने, दोनों लोग खींचते हुए पट पे दोनों पतंगें जा रही हैं, धीरे धीरे ताकत बना रखी है दोनों लोगों ने, कोई काट नहीं हो रही, बाहर की तरफ पतंग जा रही है फैज़ की, सल्ला गद्दा नीचे की तरफ जा रहा है अनु का, और अनु ने यह पेज काट दिया, आसमान से गद्दा चला है ज़मीन तक आया है, 3-8 का स्कोर सुल्तान और शीश महल के बीच में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट डे बस एंड हो गया है, सूरज भी डूब गया है, और दो टीमें आज पहले दिन के राउंड में क्लियर हो चुकी हैं, टाइगर बाहर हुई है, आर्मी बाहर हुई है, और शान मुगल, और बाकी लोगों के गेम अभी चल रहे हैं। आखिरी पेज अभी आपने देखा जो टूट गया शीश महल का, देखते हैं पेज होता है कि नहीं, लाइटें भी दूर पर जलने लग गई हैं, लेकिन अभी सारे कमेटी के मेंबर यहां बने हुए हैं। ये देखिए मून लाइट को क्रिस पर बुलाया जा रहा है सेकंड राउंड के लिए। तो अजहर आ गए, काफ़ी अंधेरा हो गया है, 8-3 का स्कोर चल रहा है, इसलिए पतंग उड़वाई जा रही, राउंड क्लियर कराया जा रहा है शीश महल के लिए। अजहर पे सही हो गया है, ऊपर से अनु बीच में अपनी पतंग का मुड्ढा उतारते हुए, काफ़ी अंधेरा है इसलिए धुंध वाली पतंगें दिख रही हैं, अंदर के मुड्ढे पे अनु अपनी पतंग उतार रहे हैं। सुल्तान के लिए आखिरी पेज होगा, ये खड़े हैं सुल्तान के मेंबर अनु भाई जो अपना आखिरी पे लड़ा रहे हैं। पेज सही चल रहा है, अगर ये वाला पेज फिर से काटा सुल्तान के मेंबर ने तो उम्मीद है कि अगले ही राउंड में आपको बाकी पेज देखने को मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ये अंधेरे में ये पेज लड़ाया जा रहा है, अगर शीश महल ने काट दिया तो राउंड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेते चले जा रहे हैं लगातार अजहर भाई शीश महल के लिए। पेज सही चल रहा है, अनु अपनी पतंग को बीच में लगाए हुए हैं, टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं, और अंधेरा होने की वजह से मुश्किल से 250 मीटर की रेंज होगी। निकलता मुड्ढा बनाया अनु ने, रोका पतंग को ऊपर चलाते हुए, और ज़्यादा ऊपर से हाथ की तरफ जा रहे हैं अनु, और नीचे से हाथ की तरफ बढ़ते हुए शीश महल के मेंबर, दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह ले रहे हैं, टेढ़ा करा रखा है। पेज सही चल रहा है, बाहर की तरफ पतंग को लगातार निकालते हुए अनु बीच में अपनी पतंग को बनाए हैं। 8-3 का स्कोर है, 8 पेज से शीश महल आगे है, 8-3 का स्कोर है, 8 काटे हैं शीश महल ने और 3 काटे हैं सुल्तान लखनऊ ने। बीच में अपनी पतंग को बनाए हुए अंदर के मुड्ढे पे फिर से चलते हुए, काफ़ी रेंज कम हो गई है, पतंग को चमकाते हुए दोनों ही लोग धीरे धीरे पतंग का मुड्ढा उतारते आ रहे हैं अनु सुल्तान के मेंबर। अजहर ने रोका, रोके हुए, रोक के क्रॉस की तरफ खींचा है, निकलता हुआ मुड्ढा अनु ने ताकत से मारा, लेकिन अनु ये पेच कट गए। तो 9-3 से शीश महल ने ये राउंड जीत लिया है, सेकेंड राउंड अपना फर्स्ट डे में। तो गेम एंड हो गया है, ये सारे मेंबर, और फर्स्ट डे का सैफी मेमोरियल लोकल टूर्नामेंट 2023 का आज पहला दिन था, और साथ में हमारे स्पीड क्लब के फाइनेंसर नईम पहाड़ी जी। नईम भाई क्या कहना है आपको, पहला दिन था आज, अच्छा टूर्नामेंट लड़ा, तो आपकी टीम भी उतर रही ना स्पीड। चलिए वेट करेंगे स्पीड का भी, और गेम यहाँ पे एंड हो गया आज। 9 मार्च को मतलब डी पूल में है, लास्ट में एकदम, अच्छा लास्ट। बाबा जी क्या हुआ,